देखना देखना आज मैं तुम्हारा क्या आशा करती हूँ। आज अहमर तुम्हें खुद यहाँ से धक्के देके निकालेगा। तुमने ये जो मासूमियत का ढोंग रचाया हुआ था ना, वो सारी तुम्हारी पोल पट्टियाँ खुल गई हैं। क्या शोर मचा रखा हुआ है और ये क्या हो रहा है? बाहर तक आवाजें जा रही है, कुछ तो ख्याल रखे। पूछो पूछो इस तमीजुद्दीन की बेटी से क्या चक्कर चला के रखे हुए हैं इसने। हमारे घर में रह के तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दी है इसने। बदतमीज वकार गई की ये। आहिस्ता बात करें और मुझे बताएं हुआ क्या है। अहमर मुझे पहले ही शक था, ये मकार लड़की इतने सुकून से बैठने वाली नहीं है। कोई ना कोई गुल तो ये जरूर खिलाएगी। आप मुझे बताएंगी कि हुआ क्या है या जो मुंह में आया बोलती रहेंगी? क्या मतलब, मैं फजूल बोल रही हूँ? तुम ये सब कुछ मुझे कह रहे हो? मारुख क्या हुआ है? ये फोन है अहमर, फोन। पूछो इस लड़की से किससे छुपा के रखा है इसने ये फोन और किससे बातें करती है ये? अपने पुराने आशिक से, जिसकी वजह से इसकी बारात वापस चली गई थी, और तुम इस बदचलन लड़की को उठा के इस घर में ले आए। मारो, मैं आपको इस तरह इफ्रा के बारे में बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। माजरत करें इससे अभी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आर यू मैड? मैं इस जैसी लड़की से माफी मांगूंगी? इससे? इसकी औकात ही क्या है? अगर आप इससे माफी नहीं मांगेंगी तो मेरी तरफ से भी इनकार है नादिया के लिए। What? क्या हो गया है तुम्हें अहमर? कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं 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 अहमर साहब, रहने दे, वैसे भी गलती मेरी थी। तुम खामोश रहो इफ्रा। मारुख ठीक है, एक शर्त पर। इससे पूछो कि ये फोन इसके पास कैसे आया। लेकर तो ये अपने साथ नहीं आई थी। पूछो इससे।